गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन अमित कुमार सुन सोनम किशन प्रीति लालू यादव एवरी वन वेरी गुड मॉर्निंग भाई आप सभी का स्वागत है आर वाई पी यूट्यूब चैनल पर कैरियर विल ऐप पर और शुरुआत करेंगे आज की क्लास की आज हम लोग करने वाले हैं करेंट अफेयर्स रिविजन जनवरी से लेकर जून के छः महीनों में जितनी भी बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रही है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज रही आपके पास इन छह महीनों के अंदर ये सब कुछ मैं आपको एक साथ एक बार में कराने वाला हूं ये एक रिवीजन क्लास और इससे पहले भी हम लोग इसी तरह की रिवीजन क्लासेस कर चुके हैं जनवरी से लेकर मई और जून तक की अगर आप चाहें तो अपॉइंटमेंट को लेकर डेथ्स को लेकर यहाँ पर बहुत सारी अदर इंफॉर्मेशन में अवार्ड्स को लेकर भी मैंने इस पर आपके पास कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है ये सिर्फ रिवीजन क्लास है हमारी यानी जिसने छः महीने पढ़ा है ध्यान से उनको यहाँ बहुत कुछ रिवाइज करने को मिलेगा और जो इंफॉर्मेशन अगर मिस हो गई है उनके माइंड से निकल गई है तो उस इंफॉर्मेशन को दोबारा से याद करने का दोबारा समझने का चांस मिलेगा चलिए शुरुआत करेंगे क्लास की आप एक बार मुझे यस का कमेंट कर दें कि सब कुछ बेहतर है क्लियर है एक बार यस कह दें बबीता सिविल इंजीनियर देना डायनामाइट चलिए भाई पार्थ वन वेरी गुड मॉर्निंग यस कह दें जेबा खातून चलिए सिविल इंजीनियर हम देखते हैं पिछले छह महीनों में एक्चुअली जो जो किताबें हमारे पास आई हैं उनके बारे में देख लेते हैं जल्दी से अगर हम देखिए एक किताब जिसका नाम है स्पेयर के नाम से और इस किताब को प्रिंस हैरी के द्वारा लिखा है कि अगर हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है नाम लिखने की तो हम समझ सकते हैं ये किताब किसकी है तो ये किताब है प्रिंस हैरी की चलिए भाई ये याद रहेगा आपको यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें ये सामने ऑथर का नाम ही है मैं यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ पर एक किताब है जादू नामक के नाम से इस साल रिलीज की गई जो कि जावेद अख्तर जी की बायोग्राफी है ये और इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम देखो यहाँ पर मिलेगा हमें अरविंद मंडलोई के द्वारा इसको लिखा गया है अरविंद मंडलोई के द्वारा लिखा गया है इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर एक किताब है एन साइलेंट है जान साक्षी के नाम से ये कुछ एक किताब लिखी गई और इस किताब के जो लेखक होने वाले हैं ये कौन होने वाले तो ये ये भी एक ऑटोबायोग्राफी है यानी जिसके द्वारा ये लिखी गई ये उन्हीं का पिक्चर है यहाँ पर आप नजर आ रहा है आपको जो तो ये हमारे पास तमिलनाडु साउथ इंडिया से रिलेट करते हैं के के अब्दुल गफार के नाम से और इन्हीं का नाम याद रखना सर ये इनके द्वारा लिखी गई एक ऑटोबायोग्राफी है यानी अपने ही जीवन के बारे में इन्होंने बताया है तो पहले तो याद रखो ये एक ऑटोबायोग्राफी और ये किसकी है के के अब्दुल गफ्फार की है इसके बाद देखते हैं यहां पर नेक्स्ट पॉइंट को क्या हमारे पास रोलर कॉस्टर के नाम से एक किताब है वो रिलीज की गई इस साल और इसको लिखने वाले जो व्यक्ति है तमल बंधोपाध्याय के नाम से वो आपको याद रखना है रोलर रोलर कॉस्टर किसकी है तमल बंधोपाध्याय की किताब है इसके बाद देखते हैं अगली किताब है रेवोल्यूशनरीज के नाम से किताब है उसको रिलीज किया गया हम देखो यहाँ पर फोटो मैंने आपको दिखाया कि संजीव सान्याल की ये किताब है जो रेवोल्यूशनरीज के नाम से आई है वो याद रखेंगे संजीव सान्याल है इसके लेखक के नाम जो है इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अंबेडकर ए लाइफ के नाम से किताब है अंबेडकर जी के जीवन पर आधारित ये शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है ये याद रखना है आपको रिवाइज करना है बिल्कुल एक किताब ह्यूमन एनाटॉमी के नाम से देखो इस साल रिलीज की गई मानव शरीर से रिलेटेड एक किताब है इसके बाद एक किताब आई इस साल 2023-23 में ब्रेकिंग बैरियर्स के नाम से जिसको एक पूर्व आईपे ने लिखा यानी काकी माधव राव ब्रेकिंग बैरियर्स नाम से किताब है ये काकी माधव राव की बस लेखक का नाम पूछेगा आपसे कोई बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पूछेगा कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप देने जा रहे हो तो वहां पर सिर्फ आपसे ऑथर्स के नाम पूछने वाला है इंडियाज नॉलेज सुप्रेमेसी एक किताब इसको भी रिलीज किया गया इस साल और इसको अश्विन फर्नांडिस के द्वारा लिखा गया है इंडियाज नॉलेज सुप्रेमेसी किताब के लेखक कौन होंगे अश्विन फर्नांडिस होने वाले हैं यहां पर यह याद रखेंगे एक किताब है कोचिंग बियॉन्ड के नाम से कोचिंग बियॉन्ड के नाम से किताब है और इसको यहां पर किसने लिखा एक्चुअली दो लेखक हैं यहां पर देखोगे आर श्रीधर और आर कौशिक इंडियन क्रिकेटर रहे हैं सर यहां पर तो दो नाम हो जाएंगे कोचिंग बियॉन्ड इस किताब का नाम होगा अगर हम देखते यहां पर कम लेट्स रन एक किताब ये भी रिलीज की गई है दो हजार. तेईस के अंदर और इसी साहब ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इस किताब को भी लाया गया यहाँ पर तो ये दोनों किताबें किसके द्वारा लिखी गई हैं तो देखो यहाँ पर एक मिस्टर मिस या मिस्टर यहाँ पर हैं उनको देखना पड़ेगा एम एक्चुअली में सुब्रमण्यम है ये मिनिस्टर रह चुके हैं ये मिनिस्टर रहे हैं एम सुब्रमण्यम के नाम से कम लेट्स लर्न के नाम से किताब है सुब्रमण्यम ये याद रखेंगे एक है ब्रेविंग आ, ए वायरल स्टॉम के नाम से दो लोगों ने लिखा इसे आशीष चंदौदकर और सूरज सुधीर क्योंकि हम ना तो, तो काम चल जाएगा हमारे पास इन दोनों के द्वारा लिखी गई किताब होगी एक किताब है जो कि दिसंबर के बिल्कुल लास्ट में आई थी 2022 के अंदर उसका नाम है फोर्क इन द रोड जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने लिखी थी

अगर देखिए ए मैटर ऑफ हार्ट इस नाम से किताब लेकर आई गई लाइट बिल्कुल क्लियर है भाई सारी बातें समझ में आ रही हैं ए मैटर ऑफ हार्ट के नाम से किताब है मेरे दोस्त याद रखो अनुराग विहार के द्वारा लिखी गई किताब है अनुराग विहार के द्वारा ए मैटर ऑफ हार्ट के नाम से स्नैक्स इन द गंगा गंगा में स्नैक्स के बारे में बात की गई है और ये एक किताब है जिसको राजीव और विजय यानी दो लोगों ने मिलकर लिखा है तो ये भी आपको याद रखेंगे राजीव मल्होत्रा यहां पर नाम क्लियर नजर आएगा तो राजीव एंड विजय के द्वारा लिखी गई किताब है स्नैक्स इन गंगा एंड विजय अगली किताब है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म यानी जनरल बिपिन रावत जी के बारे में देखो यहां पर बात हो रही है और इसे रचना रावत जी के द्वारा लिखा गया है रचना रावत ने लिखी है इस किताब को यह याद रखेंगे एक किताब है बासु चटर्जी एंड मिडल रोड सिनेमा बासु चटर्जी के जीवन पर आधारित एक किताब है जिसे अनिरुद्ध भट्टाचार्य लिखा है पर तो यहां पर अगर पूछे किसके द्वारा लिखी गई बासु चटर्जी के जीवन पर आधारित इस किताब को अनिरुद्ध भट्टाचार्य रिवीजन होना चाहिए लगातार एक बार सारी किताबों को देख लेंगे ना तो उसके बाद अगले छह महीने इस साल के जो बचे उनको आसानी से कवर करेंगे इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस आज़ादी के लिए भारत को जो स्ट्रगल करनी पड़ी 1947 तक उस कहानी को बताया गया है साथ में एज गुज गुड एज माई वर्ड ये किताब ये लिखी गई इन दोनों किताबों के लेखक का नाम याद रखना है भाई तो यहाँ पर एक पी ज्योति मणि के नाम से हैं उनके द्वारा लिखी गई किताब है इंडियाज़ स्ट्रगल पी ज्योति के नाम से और यहां पर एक किताब है एज गुड एज माई वर्ड्स के नाम से इसे के एम चंद्रशेखर ने लिखा है के एम चंद्रशेखर है यहां पर इनका नाम याद रखोगे भाई चलिए अगला पॉइंट देखेंगे भाई क्या है यहां पर अगला मुंडका उपनिषद द गेटवे ऑफ एटर्निटी इस नाम से किताब लिखी गई द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर भी लिखी गई बिहारी लिटरेचर पर और नालंदा पर भी एक किताब लिखी गई इन दोनों किताबों के बारे में देखिए द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर अभे के के द्वारा लिखी गई इनकी और भी किताबें बहुत सारी हैं और इम्पोर्टेंट लेखक हैं बिहार से रिलेटेड ये काफ़ी सारी किताबों को रिलीज़ करते हैं हमेशा से और उनके अलावा एक है द मुंडका उपनिषद के नाम से करण सिंह के नाम से आते हैं करण सिंह उनके द्वारा लिखी गई किताब है द गेटवे टू करण सिंह होंगे द विक्ट्री सिटी मोस्ट 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 सिंपॉर्टेंट बुक होने वाली है इस साल के लिए. के लिए विक्ट्री सिटी नाम से इसको सलमान रुशदी ने लिखा और आपको याद होगा सर इन्हें जर्मन ने अपना पीस प्राइज दिया शांति पुरस्कार दिया और यहां पर है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के नाम से ये दोनों किताबें इस बार की जबरदस्त होंगी तो विक्ट्री सिटी किताब को सलमान रुशदी ने लिखा है मैं बार बार इसकी बात अपनी क्लास में करता रहता हूँ और ये आएगी किताब और यहाँ पर है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से इस किताब को मेघनाथ देसाई ने लिखा है ये दोनों किताबें बहुत ज़बरदस्त होने वाली हैं मेघनाथ देसाई होंगे बात को समझेंगे रिवाइज करते हुए चलेंगे बस लगातार इम्पोर्टेंट होगा एक किताब है मैड इन इंडिया के नाम से जो कि भारत के 75 इयर्स के बारे में बात करती है और एक बात करती है मोदी जी के कलेक्टिव स्प्रिट एंड कलेक्टिव कंक्रीट एक्शन के बारे में इस किताब को किसने लिखा तो यहाँ पर अमिताभ कांत आप जानते हैं लेखक हैं मेड इन इंडिया जो है और ये अमिताभ कांत जो फिलहाल में जी ट्वेंटी के कोऑर्डिनेटर भी हैं ये पहले नीति आयोग के सीईओ हुआ करते थे और यहाँ पर एक किताब है कलेक्टिव स्प्रिट कॉन्क्रेंट के नाम से यहाँ पर शशि शेखर के द्वारा लिखी गई किताब तो यहां पर याद रखें इस किताब को शशि शेखर ने लिखा है और एक किताब को अमिताभ कांत ने लिखा है भाई अच्छा Reflections नाम से किताब रिलीज की गई है इस साल रेफ्लेक्शन और एंड एशेज के नाम से और यह बहुत जबरदस्त स्मोक एंड एशेज वाली किताब होगी क्योंकि इसको एक बहुत ही फेमस राइटर अमिताभ घोष ने लिखा है जिन्हें की ज्ञान पीठ पुरस्कार भी मिल चुका और रिफ्लेक्शंस नाम से जो किताब इसको नारायण वुगल के द्वारा लिखा गया है नारायण वघुल के द्वारा यह रिफ्लेक्शन के नाम की किताब है और एक किताब है स्मोक एंड एशेज के नाम से एक किताब आती है क्रॉस कोर्ट के नाम से जो कि एक हमारे खिलाड़ी के द्वारा लिखी गई एक टेनिस प्लेयर के द्वारा लिखी गई है जयदीप मुखर्जी के द्वारा और ये सचिन एट द रेट फिफ्टी क्योंकि सचिन तेंदुलकर जी पचास साल की एज में पहुंचे और यहां पर इनके ऊपर एक किताब जो है बोरिया मजूमदार ने लिखी ये किताब है सचिन एट द रेट फिफ्टी के नाम से बोरिया मजूमदार ने लिखा है याद रखना और क्रॉस कॉर्ट नाम की किताब को जयदीप मुखर्जी ने लिखा है जयदीप मुखर्जी ने लिखा है स्पेलिंग इन्होंने कैसे लिखी है वो अलग बात है लेकिन जयदीप मुखर्जी हूं एक आती किताब कॉरटिंग इंडिया के नाम से मुगल टाइम पीरियड के बारे में बताया गया है सर वॉर एंड वुमेन के नाम से किताब है ये किताबें फेमस किताबों में से हैं तो वॉर एंड वुमेन नाम की किताब को एम ए हसन के द्वारा लिखा गया एम ए हसन के द्वारा लिखा गया और साथ में यहाँ पर एक कॉरटिंग इंडिया जो इंडिया का कोर्ट सिस्टम था शुरुआत में उसके बारे में बात की गई है सर यहाँ पर कॉर्टिंग इंडिया नाम की किताब को नंदिनी दास ने लिखा है मेरे भाई किसने नंदनी दास ने लिखा है द गोल्डन ईयर्स नाम से किताब है, अगर मुझसे कहा जाए इस पूरे साल की सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर इंफॉर्मेशन कहनी हो तो यह किताब होने वाली है बहुत फेमस राइटर और रस्किन बॉन्ड जिनकी ज्यादातर किताबें डब्ल्यू से वर्ड शुरू होते हैं उनके लेकिन यहां ऐसा नहीं है हमेशा ऐसा नहीं होता लेकिन रस्किन बॉन्ड द गोल्डन ईयर्स नाम की किताब लिखी है गड्स एमिट्स ब्लड बाथ इस नाम की किताब है जो कि अंशुमन गायकवाड़ के द्वारा लिखी गई है तो याद रखेंगे भाई और कई लोगों ने इसके बारे में बताया हुआ है ठीक है अंशुमन गायकवाड़ जो एक इंडियन क्रिकेटर है भाई उनके बारे में लिखी हुई ये किताब है ये तो इतनी सारी और इंपॉर्टेंट किताबें जो होंगी और उसके बारे में बताया है आदित्य भूषण ने यहाँ पर गट्स एडमिट्स ब्लड बात यानी आदित्य भूषण ने लिखी जो कि अंशुमन गायकवाड़ के जीवन पर आधारित है आदित्य भूषण के द्वारा चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर क्या है सुप्रीम कोर्ट ऑफ कमर्शियल आर्बिट्रेशन इस किताब को लाया गया इस साल द्रौपदी मुर्मू जो फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसिना हिल्स जहाँ राष्ट्रपति भवन है वो जगह रायसीना हिल्स है इस किताब को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब हो सकती है इस बार के लिए कस्तूरी रे के द्वारा लिखा गया है सर कस्तूरी रे के द्वारा लिखी गई द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में कि ट्राइबल एरियाज से आने के बाद वो राष्ट्रपति बनी है देश की और एक किताब है जो कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखी गई है कमर्शियल आर्बिट्रेशन को लेकर जो कि मनोज कुमार ने लिखी है भाई किसने मनोज कुमार ने लिखी है इसको याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ कमर्शियल आर्बिट्रेशन बात पूरी तरह समझ में आनी चाहिए यहां पर अगला सवाल देखिए क्या होगा मेड इन इंडिया ये किताब हम ऑलरेडी कर चुके हैं भाई 75 फाइव ईयर ऑफ बिजनेस के बारे में ये बात कर चुके हैं यहां पर अमिताभ कांत के बारे में वाई कैन नॉट एलिफेंट बी रेड तो ये बच्चों से रिलेटेड एक किताब है और बच्चों की इस किताब को लिखा गया है वानी त्रिपाठी के द्वारा वाणी त्रिपाठी होने वाली है इसकी लेखक वाणी त्रिपाठी होंगी अगला क्वेश्चन देखेंगे गांधी सियासत और सांप्रदायिकता इस पर एक किताब लिखी गई साल 2023 में रिंग साइड ये विजय दारदा की किताब फेमस होने वाली है साथ में पीयूष बबेले की किताब है गांधी सियासत और सांप्रदायिकता के रूप में तो यहां पर दोनों याद रखेंगे रिंग साइड किताब को लिखा है विजय दारदा ने अगर इस बार की टॉप टेन किताबें निकालोगे जो 2023 में आई हैं उसमें इस किताब को जरूर रखना होगा रिंग साइड के नाम से और एक किताब जो कि पीयूष बबेले के द्वारा लिखी गई गांधी जी के बारे में पीयूष बबेले आगे देखते हैं भाई यहां पर एन टी आर ए पोलिटिकल बायोग्राफी है एन टी आर के जीवन पर आधारित पावर ऑफ वन थॉट के नाम से किताब है जो कि लिखी गई है यहाँ पर शिवानी जी के द्वारा बी के शिवानी है पावर ऑफ वन थॉट आप देखते हैं प्रवचन में काफी देखा होगा इन्होंने आप देखा होगा आपने हैं और साथ में एक पॉलिटिकल बायोग्राफी जो एन टी आर जी के जीवन पर आधारित है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो रामचंद्र मूर्ति जी के द्वारा एन टी आर के जीवन पर आधारित तो रामचंद्र मूर्ति द्वारा ये सब आपको इसी तरह से याद हो जाएगा टेंशन ना लें बिल्कुल भी पहले कर लेते हैं अजय टू योगी आदित्यनाथ यानी अजय बिष्ट से कैसे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने यानी बचपन से लेकर जवानी यानी इस समय तक की कहानी बताई गई है किसके द्वारा शांतनु गुप्ता के द्वारा ये इंपॉर्टेंट किताबों में शामिल ज़रूर किया जाएगा अजय टू योगी शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखी गई है मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के नाम से किताब है और इस किताब को अश्विंदर सिंह के द्वारा लिखा गया है यह प्रॉपर्टी से रिलेटेड है यहां पर अश्विंदर सिंह के द्वारा लिखी गई किताब है मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट से रिलेटेड ए लाइफ वेल स्पेंड द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन ये दो किताबें लिखी गई हैं जिसमें एक किताब है ए लाइफ वेल स्पेंड ये सतीश चंद्रा की किताब है फेमस राइटर है सतीश चंद्रा उनकी किताब है ये और यहाँ पर द योगा सूत्र के नाम से द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रंस के नाम से जिसको रूपा राय के द्वारा लिखा गया है इंपॉर्टेंट किताबों में आप इसको जरूर ऐड करेंगे यहाँ पर द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रंस के नाम से होगी भाई ये सारी किताबों की पिक्चर है हमारे पास और हमने देखा कि सर ये वो सारी किताबें हैं लगभग जो कि इस साल 2023 में रिलीज की गई और उसके अंदर जैसे कि विक्ट्री सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इन द रोड सी रंगाराजन वाली बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि गुलाम नबी आज़ाद की ऑटोबायोग्राफी इंपॉर्टेंट है जैसे कि जा, जावेद अख्तर जी के ऊपर लिखी जादूनामा बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये सारी जो किताबें हैं मैंने आपको एक बार में दिखा दी आपके पास जो लिस्ट बनी होती है उनमें से इंपॉर्टेंट नाम अगर कोई मिस है तो उसको ज़रूर ऐड कर लीजिएगा लेकिन अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ सर इसके बाद इतनी सारी किताबों को रिलीज़ करने के बाद कि भाई स्पोर्ट्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन पूछेगा स्पोर्ट्स के बारे में जो न्यूज़ पूछेगा यानी पिछले छः महीनों में कौन कौन से खेल हुए किस किस ने जीते हैं कौन सा इवेंट होने वाला है कौन सा इवेंट हो चुका पूरी कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं लेकिन इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी रिवाइज करना पड़ेगा और देखो मैंने स्पोर्ट्स के अंदर पहले क्या करा है कि बहुत सारी न्यूज कवर करने से पहले जो मैं डिफाइन कर सकता था ग्रुप में जो मैं इनफॉरमेशन को सेपरेट करके बना सकता था वो बनाकर ले लेकर आया हूँ मैं आपके लिए आज सिर्फ पीडीएफ का इस्तेमाल करना है हमें और सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इस साल यानी कि 2023 के अंदर जितने भी क्रिकेटर्स को हमारे आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है उनके नाम क्या क्या होंगे जैसे कि दिसंबर 2022 के लिए क्योंकि दिसंबर 2022 का सर 2023 जनवरी में मिला होगा तो यहां पर आपको याद रखना है हैरी ब्रूक का नाम हैरी ब्रूक जो इंग्लैंड के क्रिकेटर थे इन्हें दिसंबर 2022 का प्लेयर ऑफ मंथ चुना गया जनवरी 2023 के प्लेयर ऑफ मंथ चुने गए थे शुभमन गिल भारत के पुरुष वर्ग को खास याद करना है एग्जाम में इंपॉर्टेंट वही होगा फेबर 2023 के फिर से चुने गए हैरी ब्रूक जो इंग्लैंड के हैं यहाँ पर मार्च 2023 में शाकिबुल हसन को चुना गया जो कि बांग्लादेश से आते हैं यहाँ बीबी होगा साइलेंट रह गया यहाँ पर बांग्लादेश से अप्रैल 2023 के लिए यानी पिछली बार के लिए पाकिस्तान के फखर जमन को चुना गया और मई 2023 के लिए एक बार आयरलैंड के हैरी टैक्टर को चुना गया सर अभी मई तक का ही आया है जून मंथ वाला जुलाई के मंथ में होगा तो उसका नाम आप ऐड कर सकते हैं कि इस बार के सारे प्लेयर ऑफ मंथ है 2023 में नोट करना जरूरी है अगर हम बात करते हैं इस बार की जितनी भी फॉर्मूला वन रेस हुई है सर एक बार उनको देख लेते हैं देखो इस बार जितनी भी फार्मूला वन रेस हुई हैं उन सारी फार्मूला वन रेस के अंदर सिर्फ दो ही खिलाड़ी हैं जिन्होंने जीती है फार्मूला वन रेस या तो सरजियो पेरेज ने जीती है सर या मैक्स वोस्टेपन ने जीती इसके अलावा और कोई ऑप्शन आएगा ना चार ऑप्शन आएंगे सवाल में दो तो ऑटोमेटिक कैंसिल कर देना हो ही नहीं सकते जो भी जवाब होगा इन दोनों में से होगा जैसे बहरीन में ग्रैंड प्रिक्स हुई यानी कार रेस हुई बहरीन में तो उसे मैक्स वेस्ट ने जीता जो कि नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं सऊदी अरेबिया में हुई तो उसको सर्जियो पैरेज ने जीता था ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुई तो मैक्स वेस्टे पे ने जीता अजरबैजान में हुई तो उसको सर्जियो ने जीता मियामी यूएस में पड़ती एक जगह उसे मैक्स वेस्ट ने जीता एमिलिया रोमैगना ये इटली में होनी थी याद रखना लेकिन ये अभी हो नहीं पाई इसको हमने पोस्टपोन कर दिया गया यानी अभी हो नहीं पाई है तो 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 ये ये हो चुकी है भी, याद रखना। तो ये Amelia का कोई विजेता नहीं बना। अगर Monaco Grand Prix के बारे में बात करें तो Max ने जीता इस बार स्पैनिश ग्रैंड प्रिक्स जो हुई वो भी मैक्स वेस्ट ने जीता कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स को भी मैक्स वेस्टेपन ने और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को भी मैक्स वेस्टेपन ने तो आप कहोगे सर अगर हमें तुक्का भी लगाना है चांस भी लेना है तो हम लगाएंगे मैक्स वेस्टपन इसके अलावा कोई जीत भी नहीं रहा ना 2022 में जीता कोई ना 2023 में जीता बहुत रेयर केस में सिर्फ दो हैं ऐसे जो मोने को जो कि सरजियो पेरेज ने जीते हैं बाकी सारे के सारे मैक्स वेस्टपन और यहाँ पर एक बहुत बड़ा खिलाड़ी जो हुआ करता था आप जानते हैं इससे पहले तक लुइस हैमल्टन के नाम से वो दो में एक भी नहीं जीत पाए और दो में भी अभी तक कोई नहीं जीती है सर अच्छा अगर मैं बात करूं इस पूरे छह महीनों में सर कितने चेस शतरंज में ग्रैंड मास्टर बने ये सारा सेपरेट इसीलिए कर दिया जो पॉसिबल है बता दूं मैं आपको यहां पर तो इन छह महीनों में अगर आप देखोगे सर शतरंज में पांच ऐसे हैं लोग खिलाड़ी जिनको ग्रैंड मास्टर चुना गया है इस साल जनवरी के अंदर जैसे सेवन एट्थ ग्रैंड मास्टर की जो उपाधि है वो वेस्ट बंगाल के कौस्ट चटर्जी को मिली है याद आ जाएगा रिवाइज हो रहा है यहाँ पर बिल्कुल जो सेवेंटी नाइन्थ ग्रैंड मास्टर बने वो तमिलनाडु के परनेश एम बने हैं जो अस्सी ग्रैंड मास्टर हैं वो तमिलनाडु के विग्नेश एन आर बने हैं जो एट्टी फर्स्ट इक्यासी ग्रैंड मास्टर हैं वो वेस्ट बंगाल के सयंतन दास बने हैं और जो बयासीवे ग्रैंड मास्टर हैं वो तेलंगाना के प्रनीत बुपल्ला बने हैं यानी कुल मिलाकर आप कहोगे कि भारत के 82 ग्रैंड मास्टर हैं आज तक शतरंज की एक उपाधि दी जा सकती है आप कह सकते हैं और सबसे पहले जो मिली थी वो हमारे एक सबसे बेहतरीन खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद जी को मिली थी और कहा जाता है कि भारत में शतरंज को इस लेवल तक पहुंचाने में उनका एक बड़ा योगदान है क्योंकि ग्रैंड मास्टर बनने के बाद वो आइडल बन गए और बहुत सारे लोगों ने उनको फॉलो किया स्पेशली साउथ इंडिया में आप देखें ज़्यादातर हमारे जितने ग्रैंड मास्टर हैं वो वहीं से आते हैं तो हमारे पास कार रेस हो गई 2023 की 2023 के प्लेयर ऑफ द मंथ हो गए 2023 के अंदर जितने ग्रैंड मास्टर बने वो मैंने आपको बताए और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ साथ में कि 2023 के अंदर जितनी भी एसोसिएशन है जितनी भी फेडरेशन है जिनके चेयरमैन बदले हैं यहाँ पर लगभग मैंने आपको वो भी लेकर आया हूँ आपके लिए कि कहाँ कहाँ प्रेसिडेंट बदला चेयरमैन बदला है जैसे कि आप देखोगे सर यहाँ पर जो भारत की बास्केटबॉल फेडरेशन है उसके अध्यक्ष जो थे आधव अर्जुन हो चुके हैं सर यहां पर तो जहां आपके पास कंटेंट को चेंज करना हो अगर आपने नोट करके रखा हुआ है अपने पास सारी इंफॉर्मेशन को तो बास्केटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष बने आधव अर्जुन अगर टेबल टेनिस फेडरेशन की बात करें भारत के तो अभी चेंज हो चुका है इसमें रिसेंटली मेघना अहलावत बन चुकी हैं ये जनवरी या दिसंबर के बिल्कुल लास्ट की न्यूज है तो 2023 में पढ़ने कोई फर्क नहीं पड़ता नेशनल राइफल एसोसिएशन जो शूटिंग इवेंट होते हैं वो सारे इसी के तहत होंगे कलिकेश नारायण देव सिंह पूरा नाम है इनका ये राइफल एसोसिएशन के बन चुके हैं इंडियन गोल्फ यूनियन की बात करूं मैं तो यहां पर नाम आता है सर ब्रिजेंदर सिंह का जो गोल्फ के लिए भारत की यूनियन है उसका याद रखना है स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात अगर हम करें आर एन जयप्रकाश चेंज होकर आ चुके हैं आर एन जयप्रकाश वैसे री इलेक्टेड है ये री इलेक्ट हुए हैं साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें भारत में साइकिलिंग फेडरेशन है जो पंकज सिंह इसके अध्यक्ष बने हैं ताई कवांडो इंडिया ताई कवांडो जो साउथ कोरिया का एक खेल है आप जानते हैं बहुत ज्यादातर देशों में खेला जाने लगा है ताई कवांडो मार्शल आर्ट जैसा नामदेव शिरगोंकर बने हैं और फीफा के अध्यक्ष जो जो पहले थे वही री इलेक्ट हुए दोबारा से चुने गए ज्ञानी इन्फेंटिनो के नाम से तो यानी अगर स्पोर्ट्स अथॉरिटीज के अंदर चाहे इंडिया की हो या वर्ल्ड की हाल ही में कोई चेंज हुआ है पिछले छह महीनों में मैंने आपको वो दिखा दिया यहाँ पर रिविजन का यही मतलब है कि कोई भी नाम आपके सामने आए तो आसानी से याद आना चाहिए कि कौन क्या पॉइंट हुआ है लेकिन इसी तरह में एक और चीज लेकर आया यहां पर कि सर जितनी भी खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट ली है पिछले छः महीनों में वो कौन कौन से खिलाड़ी रहे लगभग किस खेल से रिलेट करते हैं किस देश से रिलेट करते हैं ये पता होना चाहिए तो हमारे पास जैसे रिटायरमेंट लेने वाले ड्वेन प्रिटोरिया से पूछ लेगा कि इन्होंने हाल ही में किस खेल से संन्यास लिया तो याद रखो सर ये ड्वीन प्रिटोरिया क्रिकेट से साउथ अफ्रीका के लिए खेलते थे यहाँ पर एक नाम आता ग्रेथ फ्रैंक बाले के नाम से ये फुटबॉलर रहे और ये वेल्स के लिए खेलते इंग्लैंड के साथ एक छोटा सा देश वेल्स मिल जाता है सानिया मिर्जा ने रिटायरमेंट ली इस साल आप जानते हैं सर ये इंडिया के टेनिस स्टार रही हैं तो टेनिस और इंडिया से रिलेट करती हैं हाशिम अमला जी ने यहाँ पर यहाँ पर संन्यास लिया याद रखो हाशिम अमला जो कि साउथ अफ्रीका से रिलेट करते क्रिकेट खेलते हैं मुरली विजय जो कि भारत के हैं और इन्होंने क्रिकेट से भी संन्यास लिया है मुरली विजय ने साथ में यहाँ पर एक नाम आता है ह्यूजो लॉरिस के नाम से जो फ्रांस के लिए फुटबॉल खेला करते थे याद आएगा फरहान बहरदीन को देखेंगे क्रिकेट खेला करते साउथ अफ्रीका के लिए सर्जियो रेमोस को देखेंगे ये फुटबॉल से रिलेट करते हैं स्पेन के लिए खेलते थे राफेल वर्ने की बात करें ये भी फुटबॉल खेलते हैं फ्रांस के लिए जोगिंदर शर्मा 2007 का क्रिकेट टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप आखिरी ओवर याद है सभी को जब महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन बनकर पहला वर्ल्ड कप लेकर आए भारत के लिए टी ट्वेंटी फॉर्मेट का तो यहाँ क्रिकेट से रिलेट किया करते थे कामरान अकमल याद है क्योंकि वो मैच पाकिस्तान के खिलाफ था पाकिस्तानी विकेट कीपर क्रिकेट पाकिस्तान से रिलेट करते हैं कामरान अकमल इनकी इसी साल में रिटायरमेंट हुई है दो हज़ार तेईस में ने रिटायरमेंट लिया ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट कैप्टन भी रहे वहाँ के ये अंबाती रायडू जी ने अभी आईपीएल से संन्यास ले लिया है इस बार का आपने देखा होगा कि जो फाइनल हुआ था और सीएसके ने जीता वो ट्रॉफी महेंद्र सिंह धोनी ने कलेक्ट करने के बजाय अंबाती रायडू ने कलेक्ट करी कि उन्होंने इतने साल तक आईपीएल में सी को सपोर्ट करा है सी के लिए खेले हैं सी को जिताया है और ये एक बेहतरीन कैप्टन की जो उन्होंने पहचान कराई है ना कि मतलब हर कोई खुद को आगे रखना चाहता और महेंद्र सिंह धोनी हमेशा पीछे रहना चाहते हैं और आई पी एल से अम्बाती राइडू जी ने यहाँ पर संन्यास लिया कसूमी इशिकावा के नाम से जापान की जो एक टेबल टेनिस स्टार रही हैं वहाँ की उन्होंने रिटायरमेंट ली गैरी बैलेंस के नाम से हैं जो क्रिकेट में इंग्लैंड और जिम्बाबेद दो, दोनों के लिए खेल चुके हैं गैरी बैलेंस और नाहिदा खान है ये नाहिदा खान जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से रिलेट करती हैं तो आपने देखा कि जितने भी खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट लिया जितने भी खिलाड़ियों में रिटायरमेंट लिया तो आप कहेंगे ओवरऑल मिलाकर क्या कहेंगे सब के नाम याद हो गए सर हमें तो चीज़ें आसान बन रही हैं हमने सारी किताबों को देख लिया सारे ग्रैंड मास्टर देख लिए प्लेयर ऑफ द मंथ देख लिए साथ में रिटायरमेंट और उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया जितने भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी में बदलाव हुए हैं सर वो हमने चेक कर लिए यहाँ पर अब हम यहाँ पर छोटी छोटी बातें कर लेते हैं अब मैं आपको छोटी छोटी बातें करा देता हूं, याद करा देता हूं एक बार समझ लीजिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को जैसे कि आप कहोगे सर इस बार का जो हॉकी का मेंस टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2022 के अंदर जो इस बार मध्य प्रदेश में हुए थे खेलो इंडिया यूथ गेम का अंडर 18 हॉकी अंडर 18 का टाइटल जीत लिया था वो राज्य कौन सा था वो मध्य प्रदेश था जबकि महिलाओं के अंदर इसी खेल की बात करूं तो मैं हरियाणा ने जीता था महिलाओं के लिए और मध्य प्रदेश ने जीता था पुरुषों के लिए ऐसे आपको याद रखना है खेलो इंडिया यूथ गेम अंडर एटीन जो हुआ था हॉकी में वो मध्य प्रदेश ने जीता अगर हमसे पूछ लेता है कि वर्ल्ड चेस ब्लीड्स टूर्नामेंट जो हुआ था चैंपियनशिप जो हुई थी उसमें भारतीय खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीता तो याद रखो इसमें कोनेरू हम्पी जो भारतीय खिलाड़ी हैं सर उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था तो भारतीय शतरंज खिलाड़ी का नाम है कोनेरू हम्पी और इंड सिल्वर मेडल जीता हुआ है अगर पूछे कि हाल ही में मेन्स और वुमेन्स के अलावा ट्रांसजेंडर कैटेगरी बनाने वाली स्पोर्ट्स अथॉरिटी कौन सी है कौन सी खेल संस्थान ने सर यहां पर ट्रांसजेंडर कैटेगरी को जोड़ दिया है तो याद रखो वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल जो है हमारे पास उसने यानी बॉक्सिंग में अब मेन्स और वुमेन्स के अलावा थर्ड जेंडर भी होगा अगर पूछ लेता है कि रणजी ट्रॉफी में पहले ही ओवर में आज तक रणजी ट्रॉफीज के पहले ओवर में हैट्रिक बनाने का रिकॉर्ड इस साल बना 2023 में रिकॉर्ड बना है तो वो किसने बनाया जयदेव उनादत्कर जो कि भारतीय क्रिकेटर है इंडियन टीम के लिए प्ले किया है जिन्होंने जयदेव उनादत् ने रणजी ट्रॉफी में अब पहले ही ओवर में हैट्रिक ली है यहां पर मैंने कहा था अभी अंडर 18 जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हुआ था सर महिलाओं वाला आपने पहले ही यहां पर आंसर करा दिया था कि महिलाओं के लिए हरियाणा और पुरुषों के लिए मध्य प्रदेश ने जीता ऐसे आपको याद करना है रिवाइज करना है ठीक है भाई चलिए आगे देखिए भाई सबसे तेज फास्टेस्ट प्लेयर टू 1500 हंड्रेड रन टी ट्वेंटी सिर्फ सुनने से काम चलेगा कि टी ट्वेंटी इंटरनेशनल मैचेस में सबसे तेज 1500 रन अब तक बनाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या होगा हम कहते हैं एस के वाई यानी सूर्य कुमार यादव ने सबसे तेज 1500 रन बनाए हैं अगर हमसे पूछ लेता है कि भारत ने अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है यानी भारत ने रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत की और इंडिया ने किसको हराया तो याद रखना भारत ने श्रीलंका को हराया सर और भारत ने इस मैच को 317 रनों से जीत लिया और इतने रनों से जीतने वाला रिकॉर्ड है भारत के नाम क्योंकि भारत की ये सबसे बड़ी जीत है श्रीलंका को हराया गया तीन रनों से अगर पूछ लेता है फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट कौन होने वाला यानी सबसे महंगा खिलाड़ी कौन होने वाला है पूछ ले अगर एग्जाम में तो आप कहोगे सर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है इस समय ये दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी होंगे अगर सवाल आता है स्क्वैश के अंदर अंडर 15 में स्क्वैश टाइटल जीतने वाला ब्रिटिश जूनियर ओपन के अंदर कौन है भारत की अनाहत सिंह जो है उन्होंने ब्रिटेन के अंदर अंडर 15 का स्क्वैश टाइटल जीत लिया है चीजें रिवाइज करते हुए चलिए आगे बढ़िए और देखिए क्या क्या हुआ सर इस साल 2023 की अगर हम बात करें तो ग्लोबल चेस लीग हो रही है पहली बार। ग्लोबल चैस लीग पहली बार बार ग्लोबल लीग कराई जा रही है और इस बार पहला इवेंट जो हो रहा है वो दुबई में होगा तो ग्लोबल चैस लीग कहां पर होगी दुबई में होगी याद हो जाएगा अगर हम बात करते हैं यहां पर एक सिल्वर मेडलिस्ट हैं जिनका नाम है नाइजल एलमोन के नाम से इन्हें यहां पर डॉपिंग के कारण तीन साल के लिए बैन कर दिया गया तो सवाल है कि, कि किस देश की खिलाड़ी है ओलंपिक जीत चुकी हैं यहां पर ओलंपिक में सिल्वर मेडल तो बोत्सवाना देश की खिलाड़ी हैं नाइजल एलमोन इन्होंने यहां पर तीन साल के लिए प्रतिबंध हो चुकी है डॉपिंग की वजह से अगर सवाल पूछे क्या एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत को सिल्वर मेडल किसने दिलाया दो के अंदर जो भारत की वेटलिफ्टर प्लेयर्स हैं वो कौन हैं तो इनका नाम याद रखना है कि सिल्वर मेडल जीता है देवी रानी ने। अगर पूछ लेता दोस्त याद रखो मैड्रिड जो कि स्पेन की राजधानी है मैड्रिड ओपन 2023 अगर पूछे किसने जीत लिया तो यहां पर एक खिलाड़ी आते हैं कार्लॉस एल के नाम से इनके द्वारा जीता गया मैड्रिड ओपन 2023 इसी तरह देखो यहां पर अगर सवाल ये पूछ लेता है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का इस बार के लिए कि यहां पर लॉरेंस की तरफ से प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड यानी वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो दिए गए स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है जो वो कौन होगा इस साल के बेस्ट स्पोर्ट्समैन की बात की जाए इन्होंने अपनी टीम को 2022 में फीफा वर्ल्ड कप जिताया जो कि कतर में हुआ ये खिलाड़ी अर्जेंटीना के हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद शायद दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी भी हैं ये और इनका नाम है लियोनल मैसी अगर पूछता है हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड किसे दिया गया 2022 के लिए भारतीय हॉकी की तरफ से भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिनको प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया उनका नाम है हार्दिक सिंह ये भारतीय हॉकी खिलाड़ी है इसी तरह आपको देखो सारी इंफॉर्मेशन याद रखनी है कौन सा खिलाड़ी किस टूर्नामेंट को जीत गया है जैसे रैपिड एंड ब्लिड्स टूर्नामेंट 2023 हुआ है चेस में शतरंज के अंदर और इसको जीतने वाले वर्ल्ड के नंबर वन चेस प्लेयर हैं जिनका नाम क्या होगा आप जानते हैं बिल्कुल नंबर वन मैग्नस कार्लसन ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कहां से बिलोंग करते हैं ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं भाई इसी तरह देखो ध्यान से यहां पर अब की बार जो नेशनल गेम होंगे 2023 के जो नेशनल गेम होंगे याद रखना जो कि इस बार गोवा में होंगे सर इसमें कौन सा एक खेल जोड़ा गया है आपको पता होना चाहिए गटका मार्शल आर्ट जो कि पंजाब का एक खेल है इस बार के नेशनल गेम में इसको जोड़ा गया है ये इंपॉर्टेंट है यहां पर आपको याद रखना है कबड्डी चैंपियनशिप दो जो होने वाली है वो कहाँ पर होने वाली है तो जो कबड्डी चैंपियनशिप है एशिया की 2023 की वो साउथ ऑफ कोरिया में होने वाली है ये याद रखेंगे इंटरनेशनल थाईलैंड पैरा बैडमिंटन में कौन जीता है यहाँ पर तो हमारे एक पैरा एथलीट है प्रमोद भगत के नाम से उनके द्वारा जीता गया है सर यहाँ तो इस तरीके के छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने हैं कि कौन सा इवेंट कहाँ पर होने वाला है सर इटालियन ओपन 2023 जो हुआ है इटालियन ओपन 2023 को डैनियल मैदेदेव ने जीता है जो कि एक टेनिस खिलाड़ी और ओपन हमेशा टेनिस के अंदर ही होते हैं सर ओपन तो मोस्टली हमेशा टेनिस में होंगे इसी तरह देखेंगे हमारे पास बहुत सारी स्लाइड है बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इन सारी इंफॉर्मेशनों को आपको याद रखना है भाई और एक एक करके करने पर आसान हो जाएगा जैसे कि सर मेंस जैवलिन थ्रो के अंदर पहली बार कौन सा भारतीय खिलाड़ी है जो नंबर वन पर पहुंचा है पहली बार भारतीय खिलाड़ी जो नंबर वन पहुंचा है सर वो नीरज चोपड़ा है और आप जानते हैं कि सर अगले महीने अगस्त में यानी कि सात अगस्त को हम डे मनाएंगे और ये नंबर वन पहुंच चुके हैं। जैसे कि स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023 जो इस साल जून में यानी इसी जून में हो चुका 2023 में वो कहाँ कराया गया तो पूछेंगे चेन्नई में कराया गया ये सवाल हम कर चुके हैं यहां पर अंडर 18 टाइटल वाला इसके अलावा पूछेगा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है इसमें एक महिला क्रिकेटर की स्टेच्यू लगाई गई है इनका नाम क्या है बेलिंडा क्लार्क ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर पहली महिला क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया से जिनका एक स्टेच्यू लगाया गया है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ये इंपॉर्टेंट हो सकता है नाम बेलिंडा क्लार्क का इसी तरह से इंडियन कार रेस जो हुई थी इंडिया की नेशनल कार रेस चैंपियनशिप जो है वो किसने जीत ली थी उनका नाम याद रखना है भाई जो इंटरनेशनल एडिलेड इंटरनेशनल सिंगल टाइटल था वो किसने जीता है मलेशिया ओवर ये पूरा याद पढ़ लेना एक बार आपको सर यहाँ पर याद रखेंगे चिराग घोरपड़े के नाम से नेशनल कार रेस विजेता होंगे यहाँ पर स्पेनिश सुपर कप जो होगा यहाँ पर जो फुटबॉल क्लब होने वाला है इसको यहाँ पर बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने जीता है ये इंपॉर्टेंट नाम हो जाएगा कि स्पेनिश जो सुपर कप टाइटल है वो किसके द्वारा जीता गया बार्सिलोना के द्वारा तो ये सारी इंफॉर्मेशन में एक सिंगल पॉइंट में आप लोगों को दे रहा हूँ जैसे कि आई ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किस देश के खिलाड़ी जियोवेनिस उवासे को डॉपिंग के कारण इलीगल एक्शन के कारण उनको यहाँ पर बॉलिंग करने से मना कर दिया है तो रवांडा देश के खिलाड़ी थे रवांडा के खिलाड़ी को आईसीसी के द्वारा बैन कर दिया गया अगर पूछता फाइड यानी कि जो चेस होता है शतरंज वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 हज़ार कहाँ पर होगी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 कहां पर होगी कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में होगी इसके अलावा यहां पर याद कर सकते हैं आईसीसी का एमरजिंग प्लेयर ऑफ़ द ईयर का अवार्ड किसे मिला 2022 में तो आईसीसी की तरफ से उभरते हुए खिलाड़ी के रूप में 2022 में मार्को जैनसन जो कि साउथ अफ्रीका के लिए खेलते हैं इनको चुना गया था प्लेयर ऑफ़ एमरजिंग क्रिकेट दो के लिए तो इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए इसी तरह देखेंगे ध्यान से अगर ये पूछ लेता है हमारे पास कि इंडिया ने हॉकी का जूनियर एशिया कप जीत लिया हॉकी जूनियर एशिया कप किसने जीता याद रखना तो हॉकी का जूनियर एशिया कप हमारे भारत ने जीता जीता था इस बार आईपीएल 2023 किसने तो चेन्नई सुपर किंग ने जीता लेकिन आईपीएल 2023 का एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बना राजस्थान रॉयल के यशस्वी जायसवाल बने वुमेन प्रीमियर लीग जो पहली बार हुआ वो किसने जीता मुंबई इंडियंस ने जीता हम जानते हैं जो इस बार के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स थे जो इस बार के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं थर्ड जो कि लखनऊ में उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं सर इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा नॉर्वे में चेस ब्लिड्स टूर्नामेंट जो हुआ था वो भारत के डी गुके जो कि सबसे युवा चेस ग्रैंड मास्टर हैं भारत के उन द्वारा जीता गया है यहाँ पर इसी तरह से देखेंगे कि अगला पॉइंट आता है हमारे पास कि इस बार की आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है तो इस बार की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीत ली है याद रखना इसी तरह से इस बार का जो दुबई ओपन है दो का वो किसने जीता है वुमेन जूनियर एशिया कप टाइटल जो है वो किसने जीता हॉकी में तो सर हॉकी में जूनियर एशिया कप जो है वो इंडिया ने ही जीता चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो याद रखना भाई अगर पूछे पहला जनजातीय खेल महोत्सव जहां बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप से आने वाले लोग खेलेंगे उड़ीसा के आई सर के आई आई टी उड़ीसा में जहां पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा एशिया कप जो क्रिकेट का एशिया कप है दो का वो पाकिस्तान और श्रीलंका मिलकर कराएंगे याद रखना है वर्ल्ड स्क्वेस चैंपियनशिप 2023 जो है वो किसने जीत ली है तो वर्ल्ड स्क्वे चैंपियनशिप 2023 को इजिप्ट ने जीत लिया है यहाँ पर वो याद रहेगा जो पहला पहली बार वुमेन कबड्डी लीग कराई जाएगी भारत की तरफ से उसका आयोजन जो होगा वो दुबई में होगा जैसे ग्लोबल चेस लीग भारत की है लेकिन आयोजन दुबई में हो रहा वैसे ही वुमेन कबड्डी लीग है भारत की आयोजन इसका भी दुबई में होगा नेशनल योगा ओलंपियाड जो होगा इसको मध्य प्रदेश की सिटी यानी राजधानी भोपाल में कराया जाएगा नेशनल योगा ओलंपियाड के नाम से तो चलिए भाई ये सारी इंफॉर्मेशन है और आप इनको आराम से एक बार देख लेंगे पढ़ लेंगे किसने किसको हराया यहाँ पर कौन सा टाइटल किसके द्वारा जीत लिया गया है तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है मैंने आपको दी है यहाँ पर और हर एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम की होने वाली है तो किसने क्या जीता है कौन कहाँ पर हारा है और मैंने कहा रिवीजन करना जरूरी है रिवीजन को बार बार करेंगे जितनी बार हो सके उतनी बार करें इसलिए मैं कहता हूं अगर आप पूरे महीने का अगर टॉप हंड्रेड भी कर लेते हैं तो एसएससी एग्जाम के लिए काफी है सीजीएल हो सी एच एस एल हो एम टी एस हो सीपीओ का एग्जाम हो दिल्ली पुलिस का हो किसी कांस्टेबल हो रेलवे का एग्जाम हो तो करंट अफेयर के लिए आपको महीने के टॉप हंड्रेड या महीने की कंप्लीट पीडीएफ को एक बार पढ़ना और बाद में जब रिवीजन क्लासेस लेकर आते हैं उन रिवीजन क्लासेस को करना है उससे आपके लिए बेस्ट हो जाएगा जैसे कि सबसे महंगी खिलाड़ी जो बनी थी वुमेन प्रीमियर लीग की सर वो बनी थी स्मृति मंधाना के नाम से वो सवाल होगा इस बार का जैसे कि आप देखो यहाँ पर खिलाड़ी भी है सर एशिया खो खो टाइटल जो महिला या पुरुष दोनों का अगर पूछा जाए तो भारत ने जीता है इस बार का जो स्नोकर चैंपियनशिप है वो भारत वो जीती किसी के द्वारा इंडिया ने अंडर 19 टाइटल को जीता तो ये सब कुछ एक बार देख लीजिएगा ज़रूर इसकी पीडीएफ में आपको अवेलेबल कराऊंगा और सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं सर रिवीजन क्लास में ऐसी और बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ यानी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए मैं बनाता रहूँगा थैंक यू एवरी थैंक यू सो मच